نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل أقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم فقهنا في الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم ألحمني رشدي وعزني من شر نفسي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا آمين يا رب العالمين सुबह ख़ान का लाम तनाकमिल्ल फ़क्न आप ने फ़रमाया कि जो शख्स भी भलाई का अल्लाह ताल जिस शख्स के साथ भलाई का इरादा करता है तो अल्लाह उसे दीन की समझ अता कर देता है यानी अल्लाह ताला दुनिया में जिस शख्स के लिए भी ख़ैर चाहते हैं ना उसके लिए अल्लाह ताला दीन की समझ अता करने लग जाते हैं उसको दीन का इल्म उसे मिलने लग जाता है तो इन आज हम इस बात को समझेंगे कि किस तरह अल्लाह ताला जब हमें दीन की समझ देने लगते हैं तो हमें ये कंफर्म हो जाना चाहिए कि अल्लाह ताला यकीनन हमारे साथ भलाई जाते हैं दौलत या दुनिया की चीज़ें मिलना हमारे लिए खैर नहीं है बल्कि खैर क्या है दीन की समझ हमें मिल जाए मज़ीद आप वसम फ़रमाते हैं और यह मुतफ़ा हैं बुखारी और मुस्लिम दोनों की कि सिर्फ दो ही आदमी रश के काबिल हैं ठीक है जिन पर रश किया जाए एक वो कि जिसको अल्लाह ने माल दिया और वो उसको अल्लाह की राह में खर्च कर देता है और दूसरा वो जिसे अल्लाह तल्म और दानाई दी और वह उसको दूसरों को भी सिखाता है और उसको अपने अमल में भी लेकर आता है इसके अलावा मुतफ़ाई एक और हदीस आप फ़रमाया कि हिदायत और इल्म की मिसाल ऐसे है जैसे अल्लाह बारिश उतारते हैं और बारिश हर ज़मीन पर तरीके से उतरती है और ज़मीन अपने मुताबिक उसको जज़ब कर लेती है ये बिल्कुल मैंने मफहम बताया ये बहुत लंबी हदीस थी जिसमें तीन तरह की ज़मीनें बताई गई हैं बेसिकली हर ज़मीन अपने मुताबिक उस इल को उस बारिश को जज़ब करेगी और उससे फ़ायदा उठाएगी मज़ीद आप सल्लाम ने फ़रमाया कि अल्लाह की कसम अल्लाह का तुम्हारे ज़रिए से किसी एक आदमी को हिदायत दे देना तुम्हारे लिए सुर्ख ऊँटों से ज़्यादा बेहतर है सुर्ख ऊँट मतलब आप ऐसे समझें आजकल किसी के पास गाड़ियां ही गाड़ियां हो, बहुत ज़्यादा गाड़ियां हों मर्सडीज़ हो बेंस हो बहुत सारी आला गाड़ियाँ ठीक है तो उससे ज़्यादा बेहतर है कि अगर हमारे ज़रिए से किसी को भी हदायत मिल जाए इल्म मिल जाए मज़ीद आप सल्लाम ने फ़रमाया कि जो शख्स इल्म की तलाश के लिए किसी रस्ते पर चले तो अल्लाह ताला उसके ज़रिए से उसके लिए जन्नत की तरफ़ जाने का रास्ता आसान कर देता है यानी जब हम इल्म हासिल करते हैं इल्म हासिल करने के लिए फ़र्ज़ करें अपने बेडरूम से ड्राइंग रूम तक ही आएँ किचन छोड़ कर कमरे तक ही आएँ तो अल्लाह ताली क्या करते हैं जन्नत के रस्ते पर उस शख्स को असल में चलाया और वह जन्नत का रास्ता उसके लिए आसान हो जाता है मज़ीद आप सल्हम ने फ़रमाया कि जो इल्म की तलब में निकलता है वो अल्लाह की राह में शुमार होता है यहाँ तक कि वो वापस लौट आए तो जब तक इंसान इल्म के रस्ते, पे के, के रस्ते पर रहता है वो जन्नत के अल्लाह के रस्ते पर रहता है अल्लाह के रस्ते में फ़ी सबी जैसे जिहाद के लिए लोग निकलते हैं ना इस तरह वह इंसान निकलता है अल्टीमेटली वो आ, हिदायत को पा लेता है जब तक के वो वापस लौट नहीं आता तब तक वो उसी रस्ते पे रहता है अब आखिरी हदीस सुनाती हूँ जो कि बहुत ही मेरी फेवरेट है बहुत खूबसूरत लगती है आप वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स ऐसे रस्ते पर चले जिसमें वो दीन का इल्म तलाश करे यानी अब हम सब ऐसे रस्ते पर निकले हुए हैं जिसपे कि हम दीन का इल्म तलाश कर रहे हैं तो अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत की तरफ़ जाने का रास्ता आसान कर देते हैं फरिश्ते उसके इस अमल से खुश ख़ुश होकर अपने पर बिछा देते हैं और आलिम के लिए आसमान और ज़मीन हती के हर चीज़ और पानी में मछलियाँ तक मकफ़रत की दुआ करती हैं और आलिम की फज़ील आबिद के ऊपर जो सिर्फ़ इबादत करता रहता है ना दिन रात लेकिन इल नहीं दे रहा इम की कोई बात ही नहीं कर रहा तो आलिम की फ़जीलत आबिद के ऊपर ऐसे है जैसे चांद की फ़जीलत सब सितारों के ऊपर और उलमा अम्बिया के वारिस हैं और अम्बिया अपने वारिस में दिनार और दरहम नहीं छोड़ते बल्कि वो दीन का इल्म ही विरसे में छोड़ते हैं पर जिसने वो इल्म हासिल किया उसने एक बड़ा फजल और करम हासिल कर लिया तो ये थी मुतफ़ा अलह इसमें से ज़्यादातर अदीस और जो बाकी भी थी वो तमाम सही अदीस थी जो कि मैंने आप सबको सुनाई ताकि हम सब को मोटिवेशन मिले और हम इस रस्ते से हमेशा जुड़े रहें और कभी भी ना हटें तो आज हम स्टार्ट कहाँ से करने लगे हैं इन शाला अट्ठाईसवें पारे को हम समराइज़ करने लगे हैं इसको ध्यान से सुनिएगा अट्ठाईसवें पारे में हमने टोटल कितनी सूरतें पढ़ी थी नौ सूरतें पढ़ी थी ठीक है अल सूरतुलुजादिलाषर अल अफफ़ अजुमा अलमुनाफिक अत तगाबन अ तलाक़ैन अन ये नौ सूरतें थी सिर्फ़ इस पारे के अंदर और इन नौ ये सारी नौ सूरतें ही मदनी थी अगले पारे में हम मक्की सूरतें पढ़ेंगे सिवाय एक सूरत के ठीक है अगले पारे में इसमें सारी मदनी सूरतें थी और इसमें बेसिकली बात क्या हो रही थी इसमें हमें टारगेट्स दिए जा थे क्या टारगेट दिए गए थे? दुनिया में अकामते दीन का टारगेट दिया गया था ठीक है? है ये मिशन है हमारा। आखरत में जन्नत का टारगेट दिया गया है वो मिशन है हमारा तो हर मुसलमान के दो मिशन एक दुनिया में और एक आखरत में ये मैंने आपको बता दिया इसके अलावा इस बारे में हमें टाइटल्स दिए गए क्या टाइटल दिया गया एक हिजबुल्लाह का टाइटल दिया गया सूरत मुजादिला में और दूसरा अनसार्ह बनने का कहा गया सूरत तो सफ़ में और ये जो टारगेट्स थे ये भी मैं बता दूं कामत दीन की बात सूरत तो सफ़ में हुई थी और जन्नत की बात तो ऑलमोस्ट हर सूरत में हुई है इसके अलावा बेसिकली ये नौ की नौ सूरतें कर क्या रही थी ये सारी मुसलमानों को एड्रेस कर रही थी सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है दूसरी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये सारी की सारी हमें अमल पर उभार रही थी कि अमल कैसे करो और अमल की बुनियाद क्या होनी चाहिए और अमल अल्टीमेटली हमें ले कहाँ जाएगा ले कहाँ जाएगा ये तो मैंने बता दिया बुनियाद क्या है इसके ऊपर अभी हम आने वाले हैं और मुजादिला से तहरीम तक बात का आगाज़ कहाँ से हुआ था बात का आगाज़ हुआ था आइली ज़िंदगी से फैमिली लाइफ से बात का अख्ताम सूरत तहरीम में कहाँ हुआ दोबारा आइली ज़िंदगी पर फैमिली लाइफ पर ठीक है उसी से यह पारा शुरू हुआ है जिहार की आयात से और उसी पर यह पारा मुकम्मल हो गया ख़त्म हो गया पता हमें क्या चल रहा है फैमिली लाइफ फ़ाउंडेशन कितनी ज़्यादा इम्पॉटेंट है बार बार हमने इस बारे में बात कर ली जिसकी बेसिस पर बनेगी हमारी हमारा घर ठीक है हमारी हमारा पूरा घर बन जाएगा घर की बेसिस पर फिर हमारी सोसाइटी बनेगी सोसाइटी की बेसिस पर कम्यूनिटी बनेगी कम्यूनिटी की बेसिस पर फिर कौमें बनती हैं ठीक है थीके? मुल्क बनते हैं कौमें बनते हैं और फिर फिर वो अल्लाह ताला का नाम जो गलबा जिस जो हमारे दीन का हमने करना है वो फिर होता है ठीक है तो सारी बुनियाद कहाँ से शुरू होती है इस आयरी ज़िंदगी से और इसमें भी बहुत इम्पॉटेंट बात जो हमने सीखी वो था ज़ुबान का इस्तेमाल छोटी सी चीज़ है ज़ुबान लेकिन हम उसकी केयर नहीं कर रहे होते हमने सुरतल में क्या देखा था लक़लून मन करम मिनल़ली वज़ूँ और वो करते क्या है बेसिकली बात में मुनकर बात कर रहे हैं इंतहा नापसंदीदा बात और झूठी बात बेसिकली वो कर रहे हैं और सूरत तहरीन में हमने आखिरी सूरत में क्या देखा लिमा तो हरम मा ला मा अहल लक ठीक है लिमा तो हरम मा लक क्यों तुम हराम करते हो वो जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए हलाल करार दिया है ठीक है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तो इंस्ट्रक्शन थी लेकिन हम सब के लिए इंस्ट्रक्शन है हराम हलाल कैसे किया जाता है अमूमन लोग बोल के करते हैं ज़ुबान के ज़रिए से करते हैं ठीक है हलाल को चाहे हराम करना हो या हराम को हलाल करना हो तो ज़ुबान जुबा... से बेसिकली बात शुरू हुई थी इस बारे में और ज़ुबान पर ही ख़त्म हो रही है तो ज़ुबान का हमने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है इसका हमारे अमल और ईमान से बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ है ठीक है अब जब कम अमल की यहाँ पे जब अमल की बार बार सजेशन दी जा रही थी इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कोई कमी रह रही है तो जब अमल में कमी रह रही है इसका मतलब है कि ईमान में कहीं ना कहीं कमी है कम ईमान जो होता है वो कम अमल में ट्रांसलेट होता है ठीक है और अगर कम अमल हो इसका मतलब भी ये है कि ईमान बेसिकली कम है अब अमल बढ़ाने के लिए इस पूरे पारे में बेसिकली जो सजेशन दी गई है ना वो दी गई है इल्म की इल्म की बुनियाद पर अमल बढ़ाया जाए कैसे हमें पता चलता है एक सबसे पहले मुजादिला में जो हमने पढ़ा था यर्फालाज़ी आमनकुम वल्लजीना ऊतुल ऊतुलमा दराजात बढ़ा देता है अल्लाह दर्जों में उन लोगों को जो ईमान लाए और उन्होंने इल्म हासिल किया ठीक है इसीलिए हमने इल्म से रिलेटेड अदीस भी आज देखी है और इल्म है बेसिकली ईमान प्लस इल्म ठीक है इस आयत में दो चीज़ों की बात हो रही है ईमान प्लस इल्म ये वो दो चीज़ें हैं जो अल्लाह ताला के बंदों के दर्जात बढ़ा देते हैं जन्नत में अल्लाह की नज़र में ठीक है इसके अलावा पूरे पारे में हमने ओवरऑल क्या देखा था मसब्बिकात थी ना इसमें ज़्यादा चार मसबिहात थी नौ में से तो तस्वीर क्या है तस्वीर अल्लाह का इल्म ही तो है इसके बाद जिक्र क्या है बार बार हमें जिक्र करने का हुक्म दिया गया सूरतमजादिला में ही आता है इस्तावजा जिक्र-अल्लाह शैतान उन्हें छू जाता है तो वो अल्लाह के जिक्र को भूल जाते हैं फिर हमने आगे पढ़ा था या लजीना आमनों किस में पढ़ा था हमने सूरतमुनाफ़ी मुनाफिकून में लातकुम अम्बालकुम वला उलादकुम अल्ला तुम्हारी औलाद और तुम्हारे माल जो है अल्लाह के ज़िक्र से ना तुम्हें हिला दें दे, ठीक दे। है ना तुम्हें हटा दें हशर में हमने पढ़ा था वला तकन कल लजीना ना फ़ासा और ना तुम हो जाना उन लोगों में से जो अल्लाह को भुला देते हैं अल्लाह को कैसे भुलाते हैं अल्लाह को हम भुलाते हैं जब अल्लाह का जिक्र हम भुला देते हैं तो नुक़सान क्या होगा हम अपने आप को भूल जाएंगे फिर जुमा में हमने क्या पढ़ा था इला फ़स अल्लाह के जिक्र की तरफ़ दौड़ो दौड़ के आओ बस कुरोल्ला कसीरन और अल्लाह का जिक्र करो कसरत के साथ इतना ज़्यादा ज़िक्र पर इस सूरत में इस पूरे पारे में फ़ोकस था जिक्र क्या है बेसिकली जिक्र भी एक इल्म है जिसको कि हमने पकड़ के रखना है तस्वी हो गई जिक्र हो गया तस्वीर तो आप सबको पता है सफ़ और सो तो सफ और हशर जो थी वो कहाँ से शुरू होती थी सब्बल लिमाफ़ इस्लम उमाफ़ल वह अल अजीज़ुलहकम सूरतुमा कहाँ से शुरू होती थी युस बलिल्ला हमाफ़ समत वमाफ़िलद अर्दिलमलिक्दूसम और सूरत में क्या था युसबाला हिमाफ़मात वमाफ़िल अर्द लहुलल्क वहमद वहशैन ख़दे ठीक है तस्बी हो गया जिक्र हो गया तीसरी इलम की बात इन तमाम सूरतों में क्या आई है मारुफ़ रब अल्लाह ताली की पहचान अल्लाह का इंट्रोडक्शन वो किस चीज़ के ज़रिए से होता है किसी का भी इंट्रोडक्शन चाहिए हो ना उसके लिए उसके नाम इस्तेमाल किए जाते हैं उसके नामों को जाना जाता है नामों से या कोई इंसान किसी टाइटल से मशहूर हो ना किसी और लकब से मशहूर हो पता चल जाता है वो कैसा है ठीक है जैसे आप अलैहि वसल्लम सदक और अमीन के नाम से मशहूर थे इसी तरह अल्लाह ताली के बहुत ज़्यादा हुसना है और इस ये वो पारा है जिसमें मैक्सिमम पूरे कुरान मजीद में से मैक्सिमम यहाँ पर अल्लाह ताला के तस्माल हुसना आए तो अल्लाह ताला की मार्फत खन की सूरत में सूरत अल्हशर में आखिरी तीन आयतें तो वो आप अब ख़ुद पढ़िएगा और देखिएगा दोबारा से तो ये मार्फत रब अल्लाह ताला की मारफ़त असमासन से हासिल करने से क्या होता है ये हर तरह का इल्म जो है अल्लाह का जिक्र अल्लाह की मारफत अल्लाह की तस्बी ये तमाम इल्म बेसिकली क्या करता है म ही है याद रखिएगा जो हमारे ईमान को भी बढ़ाता है जो हमारे अमल को भी बढ़ाता है इल्म के बग़ैर हम कुछ भी नहीं है ठीक है और ये सर्कल फिर इसी तरह चलता रहता है इल्म आता है तो अमल बढ़ जाता है अमल बढ़ता है तो ईमान बढ़ता है ईमान बढ़ता है तो दिल करता है इल्म मज़ीद हासिल करें मज़ीद हासिल करके दिल करता है कि मज़ीद हम अमल करें और मज़ीदल करें तो क्या होता है ऑटोमेटिकली फिर ईमान बढ़ जाता है ठीक है तो ये जो सर्कल है ये हमने चलाते रहना है इसी पूरे सर्कल के ऊपर इस सूरत में बार बार बात हो रही है और इसके अलावा इस सूरत में नहीं पारे में पूरे में और पूरे पारे में मजीद किस बात पर फोकस था तकवा का कितना ज़्यादा जिक्र आया ऑलमोस्ट हर सूरत में सूरत मुजादिला में क्या अल्लाह ताला फरमाते हैं इतक उल्लज़ि अले ही उस अल्लाह का तकवा इख्तियार करो जिसकी तरफ ही तुमने आना है फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरत मुमताहीना में क्या था इतक बिही मुन अल्लाह का तकवा इख्तियार करो वो अल्लाह जिस पर तुम ईमान रखते हो ईमान रखने वाले हो जिस पर तुम यानी मुस्तकिल तुम्हारा ईमान उसी अल्लाह पर है फिर हशर में तो सबको पता है उसमें तो हुक्म ही ये था यज़ी आमन इतकुल्लाकुल्ल दो दफ़ा अल्लाह का तकवा इख्तियार करने का बाकायदा हुक्म दिया गया है उसमें फिर सूरत में भी हुक्म दिया गया है फतक मस्तुम तकवा इख्तियार करो अल्लाह का अपनी इस्तात के मुताबिक यानी मतलब क्या है जितनी जिसकी कैपेबिलिटी है ना उससे कम कोई तकवा इख्तियार नहीं करेगा उतना तो हर एक को करना ही पड़ेगा अब जैसे मुझे लग रहा होता है जी बहुत गर्मी है मुझसे नहीं पर्दा किया जा रहा ये तकवा के लेवल से मैंने नीचे कर दिया ना खुद को तो अल्लाह ताला कहेंगे नहीं तुम इस्तात थीपेबिलिटी थी तुम कि गर्मी में पर्दा कर सकती थी तुमने जानबूझ के नहीं किया अब मुझे बताओ क्यों नहीं किया समझ आ रही है तो हर एक ने उतना तकवा करना है जि, जितनी उसकी इस्तात है इस्तात कितनी है अपनी खुद जज कीजिए अपने खुद जानिए इस्तः मेरे अंदर कितनी है उसको अपनी कैपेबिलिटी को बढ़ाते जाइए उस अब सेल्फ़ एनालिसिस बहुत ज़रूरी है इसमें और फिर उसके मुताबिक इख्तियार किया जाएगा और सूरत तलाक में तो आपको पता है कितनी दफ़ा अल्लाह ताला ने फरमाया सबसे ऊपर तो है इतकल्ला रब्बाक और इसके बाद वहीतकल्ला बार बार आता है और जो भी अल्लाह का तकवा इख्तियार करेगा उस आगे क्या होगा ये हम आगे सूरत तलाक पे जाते हैं तो हम उसको रिवाइज़ कर लेते हैं इसके अलावा इन तमाम सूरतों में क्या था अल्लाह ताला की और अल्लाह के रसूल की अतात का बार बार हुक्म दिया गया है और सिर्फ इतना ही नहीं उसके ऑपोजिट सीनारी में भी बात हुई है कि जो अल्लाह और उसके रसूल के साथ दुश्मनी करेगा उसका क्या होगा इन द्दून अल्लाह व हो वो लोग जो के अल्लाह और उसके रसूल के साथ दुश्मनी करते हैं फिर सूरतर में भी हमने पढ़ा था, था शाह व रसूल जो जो अल्लाह और उसके रसूल की मुखालफत करते हैं इन लोगों के अंजाम की भी बात हुई है और फिर आ, कितनी सूरतों में कहा गया व अती व अती और रसूल खसूस सूरत में दो मरतबा ये बात रिपीट होती है यानि अगर हम चाहते हैं कि हमारा ईमान तीनों चीज़ें बढ़ें So Siraf अल्लाह की अताात नहीं करनी बल्कि रसूल की अताात भी करनी है दोनों इकट्ठे साथ साथ चलेंगे अल्लाह की अताात होगी कुरान के ज़रिए से तो हदीस और सुन्नत को छोड़ नहीं देना हमारे पास ऑप्शन है ही नहीं जो लोग कहते हैं कि हदीस और सुन्नत इम्पॉटेंट नहीं है उसको लेकर चलना ज़रूरी नहीं उसको समझना सिर्फ़ कुरान पढ़ लो कुरान सीख लो कुरान में जो लिखा है वही करना है सुन्नत में अगर दाढ़ी है वो हमें रखने की ज़रूरत नहीं है जो लोग इस तरह कहते हैं तो फिर उनसे मेरा एक ही सवाल होता है फिर इसका मतलब क्या किल्ला और रसूल इसका क्या मतलब है फिर रसूल की का फिर कहा ही क्यों जा रहा है अगर सुन्नत इंपॉर्टेंट ही नहीं है तो अल्लाह ताला ने अपनी के साथ रसूल की तथा को जोड़ा ही क्यों है ऑलमोस्ट हंड्रेड प्लेसेस कुरान मजीद में ऐसे आते हैं जहाँ पर अल्लाह ताला ने अपनी तताद के साथ रसूल की अतात को जोड़ के बात की है ठीक है इसके बाद शायद आप लोगों ने नोट किया हो इस पूरे पारे की हर सूरत में एक फ़्रेज़ रिपीट हो रहा होता है वल्लाहु ख़बीर उम बे माता या वल्लाहु बी माता ख़बीर या वल्लाहु बी मात आमून कि जो जो तुम कर रहे हो ना अल्लाह उस सब को देख रहा है अल्लाह उस अल्लाह उस सब की ख़बर रखता है फिर अल्लाह उस सब को जानता है वल्लाहु वल्लाहु बिकुल्ली वल्ल अलीम, यानी ये सारे फ्रेजेस बार बार क्यों रिपीट हो रहे हैं ये सारे क्या बता रहे हैं अल्लाह ताला जो जो हमारा अमल है उस पर अल्लाह की नज़र है अल्लाह ताला उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं अल्लाह ताला उसको महफूज कर रहे हैं अल्टीमेटली वो हमें क्याद के दिन बता दिया जाएगा तो अमल पर उभारा जा रहा है हमें इस पूरे पारे में और साथ ही अकाउंटेबिलिटी का भी बताया जा रहा है कि भाई मुहासबा भी होगा अल्लाह की नज़र है पूरी ये ना समझना तुम्हें अमल का कहा जा रहा है तो तुम करो ही ना ठीक है तो करना जरूरी है उसके लिए मोटिवेशन हमें दी जा रही है इंकरेजमेंट दी जा रही है हमें इसके बाद अब इंडिविजुअली एक एक सूरत को हम सिर्फ ये देख लेते हैं कि उसमें एक सेकेंड रुकिए जी इंडिविजुअली हर सूरत में हम अब यह देख लेते हैं कि उसमें क्या क्या हुक्म दिए गए और आपको पता है कि इस सूरत में कुछ दुआएं भी थीं क्या दुआएं थी swychama, एक सबसे पहली दुआ थी सूरत अहश्र में वो क्या वो क्या थी रबानफिल्लना वलवाज़ी सब्बू ना बिलमान वाला तलफ़ी कलूबिन आमनु रबा ना करऊफ़ उरीम ठीक है ये दुआ ज़रूर आनी चाहिए ये दुआ क्या है अपने लिए भी है और अपने अखवान के लिए भाइयों के लिए भी है आगे ही सूरत सूरतमतना में दो दुआएं थी रबनाई का तवक् ना विलई का अनबना विल का मसर ربنا لا تجعل فتنة للذين كفروا ربنا لا تجعلنا فتنة ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا كأنك أنت العزيز الحكيم ठीक है ये दोनों दुआएं हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जो दुआएं थी ये हमें दी गई हैं और इसके बाद हमने सूरतुल किसमें देखी थे सू सूरत तहरीम में सूरत तहरीम में हमने दो दुआएं देखी वो क्या थी रबाना अतमिम लाना नोराना वक्फिलना इन्नकाशीन कदीर जो कि आखिरी दुआ होगी हर मुसलमान जो पुलिस सिरात पर पढ़ा रहा होगा और इसके अलावा हमने हज़रत आसिया की दुआ देखी थी रब निली इंद का बैतन फिल जन्ना या मेरे लिए जन्नत में अपने पास घर बनाना ठीक है तो ये सारी दुआएं थी जो कि इस पारे में थीं और हमें ये सारी ज़ुबानी याद होनी चाहिए बाकी सारी छोटी हैं सिवाय सरतुल्हशर की दुआ के लेकिन वो भी याद करना कोई मुश्किल काम नहीं है इसके बाद हम आते हैं थोड़ी सी नज़र डाल लेते हैं अहकाम क्या थे इस पूरे पारे में वो अहकाम बेसिकली जो कि हमें हुक्म दिया जा रहा है कि हम ये काम करें ठीक है, سورत ul में क्या था? या यह लड़ीना आमनो इज़ात ना जाई तुम फलात ना जाओ बेलिस व मासियते रसूल व तना बिल बेलबेर रिवत्ता कुआ व तकुल्ला हल ज़िले ही तो ये कैमरा बंद कर लीजिए जिसका भी ऑन है ठीक है तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा था कि जब तुम सरगोशी कर रहे हो तो मासीत और ज़्यादती की मत करो बल्कि जब सरकोशी करो तो सिर्फ़ नेकी की करो बेसिकली किसी भी प्राइवेट महफ़िल में निजी महफ़िल के आदाब क्या होते हैं ये हमें बताया गया था इसके बाद जाइो लजीना अमनु इज़ाक़ी तफ़सो फ़िलमजालसफ़ सफ़िल्ल वन शुज़ो फ़न शज़ु फ़ लजीना बिमा खबीर ठीक है यहाँ पे क्या कहा जा रहा था मजलिस के आदाब बताए गए थे कि मजलिस में जब बैठो तो दूसरों के लिए कुशादगी करो दूसरों के लिए जगह बनाओ मजलिस बस बर्खास्त हो जाए बर्खास्त हो जाए ख़त्म हो जाए तो उठ कर चले जाओ ऊपर क्या था निजी महफिल के आदाब फिर मजलिस के आदाब उसके बाद इसी सूरत में हमें मुजादिला की बात हो रही है लीडर से बात करने के लीडर का सामना करने के आदाब भी सिखाए गए लजीना याजी आमन ईज़ा नाजई तुम और जवाकुम सदाका ठीक है तो जब भी आप से, से कोई बात करने आए तो क्या करेगा वो सदका देगा मतलब क्या है इसका मकसद क्या था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि सल्हम से बिला वजह लीडर का टाइम ना जाया किया जाए असल में ये मकसद था इस बात को कंट्रोल करना था तो जब भी आपने बात करनी है इम्पॉर्टेंट बात होनी चाहिए टू द पॉइंट बात होनी चाहिए और मकसद बयान हो जाना चाहिए बेसिकली तो ये सारे आदाब हमें सूरतुजादिला में बाद में सिखाए गए हुक्म दिया गया बाकायदा कि ये तुम करो इसके बाद हशर में क्या था हशर में तो एक ही हुक्म था और वो क्या था वो मैंने ऑलरेडी आपको बता भी दिया फिर से बता देती हूँ याज़ी आन तकुल्ल वल वाह ठीक है वल्ला तो क्या हुक्म दिया जा रहा है दो मरतबा एक ही आयत में अल्लाह का तकवा करो नंबर टू ये देख लो कि तुम आखरत के लिए क्या भेज रहे हो तो आखरत की तैयारी जो हम कह रहे हैं उस पर हमारी मुसलसल नजर रहनी चाहिए कि हम आगे अच्छी अच्छी चीज़ें भेज रहे हैं ना कुछ खराब चीज़ तो नहीं भेज रहे आगे सूरत मुमताना में क्या ए लोगों जो ईमान लाए हो ना तुम बनाओ अपने दुश्मनों को और अल्लाह के दुश्मनों को दोस्त उनको दोस्त मत बनाओ मजीद का हुक्म था याज़ीना आमन एजा अकल तो महाजरातन फ़म तखिनुन ठीक है मोमिनत महाजरा के बारे में जो अहकाम थे उनके ईमान को जज करने के बाद क्या करो उन्हें ऐसे यकीा मत छोड़ दो बल्कि उनसे निकाह करो फिर या नबीयू एजा जाकल मुबिना तो युबा ये कहाँ ए नबी जब आपके पास मोमिनात आएँ उनके उनसे बैत लीजिए कि वो शिरक नहीं करेंगी चोरी नहीं करेंगी जिना नहीं करेंगी अपने बच्चों का कत्ल नहीं करेंगी ठीक है बहुतान किसी पर नहीं लगाएंगी ये सिर्फ नबी वसल्लम के लिए हुक्म नहीं है इस आयत से हमें यह पता चल रहा है कि हम औरतों में ये खसूसियात भी होनी चाहिए जिन पर उन औरतों से बैत ली गई थी वह खसूसियात इतनी इम्पॉर्टेंट है कि वह हम सब में होनी चाहिए वो क्या है कि हमने शिरक नहीं करना हमने चोरी नहीं करनी हमने जिना नहीं करना हमने किसी पर गलत बहतान ये जो गासिब्स में हम हमी इल्ज़ाम लगा देते हैं किसी पर वो नहीं लगाना हमने अपनी औलाद को कत्ल नहीं करना ठीक है एबॉर्शन वग़ैरह ऐसा कुछ नहीं कराना ये सारे अहकाम थे और इसके बाद कौन सी सूरत थी सूरत और सूरत में भी दो अहकाम थे या लजीना आमन हो बल्कि तीन थे छोटी सी सूरत थी और तीन हुक्म थे लिमा तलून तफ़अलून तुम वो आ, कह, आ, कहते ही क्यों हो तुम जो कि तुम फिर करते नहीं हो ठीक है और उसके बाद आइए उ लज़ीना अमनकुमला तजारत तुंजी को मिन अज़ाबिनलीम क्या मैं आपको वो तजारत ना बताऊँ जो कि आपको बचा लेगी अज़ाब नलीम से तो मिनबिल व रसूल ही व तुजाहिदून अल्लाह पर ईमान और रसूल पर ईमान और फिर जिहाद करो अपने नफ़ों के ज़रिए से और अपने मानों के ज़रिए से हर चीज़ से बेसिकली फिर जिहाद करो रोजिए हुक्म दिया जा रहा है हमें और इसके बाद इसमें तीसरा हुक्म क्या था याहीज़ीना आमन कोनसार्ला तंसारी अल्लाह अल्लाह के अंसारी अल्लाह के मददगार बन जाओ और वो कैसे बनना है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिशन को आगे लेकर अकामत दीन में ये जो दीन का इल्म हम फैला रहे हैं और इसके ऊपर फिर हम अमल कर रहे हैं और दूसरों को अमल पर उभार रहे हैं बेसिकली इसका प्रैक्टिकली हिस्सा बनने का हुक्म दिया जा रहा है क़ोनु अनसार अल्लाह इसके बाद हमने सूरत तो जुमा पढ़ी थी और उसमें उसमें बेसिकली क्या था या अयज़ीना आमन मी यौमिल मीलुआति फ़स अलाजिक्र वज़रुल उल्बई ठीक है ज़ाक खैरुमिन तुम तलामून इसमें हमें क्या हुक्म दिया जा रहा है कि जब जुमे की नमाज़ हो जाए तो भाई आ जाओ जल्दी जल्दी आओ अल्लाह के जिक्र की तरफ आओ अल्लाह का ख़ुबा भी अटेंड करो नमाज भी पढ़ो और सीखो बेसिकली जो वीकली प्रोग्राम दिया गया है एजुकेशन का इलम हासिल करने का वो अपॉरचुनिटी मिस नहीं होनी चाहिए उसके बाद मुनाफिकून में ऑलरेडी हमने पढ़ लिया दोबारा देख लेते हैं क्या हुक्म था हुआ याजीना अमनकुम्बाकुमला तो तुम्हारे माल और औलाद जो हैं ए ईमान वालों वो तुम्हें अल्लाह के जिक्र से ना हटा दें ठीक है उन्हें इतना मत बढ़ा देना उनकी मोहब्बत में इतना आगे ना गुजर जाना उन्हीं के लिए शॉपिंग हो रही है उन्हीं के लिए खाने पक रहे हैं वगैरह वगैरह कि तुम अल्लाह के जिक्र को ही भूल जाओ और इस सूरत में आगे भी हुक्म था वह अनफिको को मम्मा रज़ा कनाकम और खर्च करो अल्लाह के रस्ते में जो अल्लाह ने तुम्हें रिस्क दिया है तो अल्लाह के रस्ते में मुसलसल खर्च करते जाना है फिर तगाबुन में देखिये अब यहाँ पर याहीज़ीना आमनों ने लिखा हुआ तगाबुन में भी लेकिन हुक्म देखे दिया जा रहा है फ़ आमिन व रसूली ही तो ईमान लाउल्ला और उसके रसूल पर यह क्या है यह हुक्म है व नूर लजीजलना और उस नूर पर जो अल्लाह ताली ने नाजिल किया नूर क्या है कुरान मजीद और कुरान मजीद का इस सूरत में मज़ीद कहाँ जिक्र है सूरत सूरतलाक़ में जिक्र है ज़िक्रंकुम ज़िक्र यकीन ने तुम्हारे ऊपर ज़िक्र नाजिल कर दिया मतलब यहाँ पे क्या कहा जा रहा था कि जिक्र नाजिल कर दिया है तो उसके ज़रिए से अंधेरों और रोशनी में फ़र्क कर लो ठीक है और इसके अलावा सूरतर की वो आयत तो किसी ने नहीं भूलनी जिसमें कुरान की अज़मत का क्या ख़ूबसूरत मिसाल के ज़रिए बयान किया गया है लोअल ना हाज़ल कुरान अला जबल अगर ये कुरान नाजिल हो जाता पहाड़ पर लोअल्ला हाजल कुरान तमिन खुश तो आप देखते इस पहाड़ को टूटते हुए बिखरते हुए अल्ला की खशियत की वजह से ठीक है तो ये आयत थी जिसको के मुकम्मल आयत ये तो हमें याद होनी चाहिए ताकि हमारे दिलों की भी वही कैफियत हो जो कि बेसिकली पहाड़ पर अगर कुरान मजीद नाजिल हो जाता तो उसकी होती मजीद सूरत में क्या हुक्म है व अतील्ला वतीसूल ठीक है ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया और उसके बाद एंड में जाके सूरत तगाबन में क्या है बहुत ही इम्पॉटेंट जिसको उस वक्त भी मैंने कहा था कि बहुत ही ज़्यादा हाइलाइटेड है इसको तो हाई करके ना हमें अपने सामने लिख लेना बल्कि ये मैंने लिख कर आया था अपने बेड साइड पे लगाई भी हुई है ये लिख लेनी चाहिए हमें या यू अल्लाजीना आमनवाज़म बाउलादम अदुल्ल कम फ़ाहजरू हम ए लोगों जी मानना हो तुम्हारी औलादें और तुम्हारी अजवाज तुम्हारे लिए दुश्मन हैं तो उनसे बच के रहो एक तरफ तो बच के रहना है कि उनकी मोहब्बत में हद से बढ़ना जाओ दूसरी तरफ क्या करना है फ़ो वो व तक तीनों तरीक़ों से हर तरीके से उन्हें माफ़ करो व फिरू उन गफ़ूर रहीम उन्हें क्यों माफ़ करना है क्योंकि अल्लाह भी तो माफ़ करने वाला है ना अगर हम उन्हें माफ़ करेंगे तो अल्लाह ताला हमें भी तो माफ़ करेंगे ना हम उन पर रहम करेंगे तो अल्लाह ताला हम पर रहम करेंगे ठीक है तो हर तरीके से उन्हें माफ़ करें फ़ाई फ इंताफ़ हो व हो फिर हो ठीक है अब कोई हमें मुसलसल कह रहा है कि जी मेरे हस्बैंड कह रहे खाना नहीं परफेक्ट खाना बनाओ बस दस डिशेज़ बनाओ अवतारी पे तो अल्लाह ताली का कह रहे हैं घर को मैदान जंग मत बनाना बल्कि माफ़ करो माफ़ करो नरमी रखो ठीक है रखने का भी साथ ही हमें हुक्म दिया जा रहा है तो ये हमने किसमें देखा सूरत में और सूरत के में मजीद हुक्म आते हैं क्या है जो पहले भी मैंने बता दिया फतः कोल्लह अस्तात तकवा इख्तियार करो अपनी इस्तात के मुताबिक अपनी इस्तात मतलब जो अल्लाह ने इस्तात दी है वो नहीं जिसको हम थोड़ी सी मैं तो कर ही नहीं सकती ये नहीं वो जो अल्लाह को पता है कि हाँ तुम इतना कर सकती हो भाई वो वाली इस्तात अपने अपनी ढूंढनी है और उसके मुताबिक तकवा वस मऊँ और सुनो व अती और फिर से अतात करो व अनफिक और ख़र्च करो अल्लाह के रस्ते में फिर सेकेंड लास्ट आयात क्या थी है इन तक कर दिन हंसन यानी हमें अल्लाह के रस्ते में कर्ज हसना देने के लिए कहा जा रहा है सेकेंड लास्ट आयत में ये सारे अहकाम थे सूरतावन में फिर सूरत में तो आप सबको पता है ज़्यादा हुक्म ही तकवा का था क्यों अब यहाँ पर क्या हो रहा था अब सूरतमजादला में हमने देखा था कि अगर आयली ज़िंदगी में कुछ फैमिली लाइफ में कुछ हालात ख़राब हो रहे थे वहां पर ठीक है सूरतलाक़ में क्या हुआ अब हो गई है अब अगर हो ही रही है लहदगी तो तुम्हारे लिए हुक्म क्या है इतकुम अपने रब का तकवा करते रहना ठीक है यानी कॉन्शियस रहना मुझसे कहीं कोई गलती नहीं हो तो नहीं हो रही मजीद तकवा क्या होता है अपनी बाउंड्री के अंदर रहना ठीक है कि जो अल्लाह ने जायज़ काम किया उसके अंदर है ना बाहर ना निकल जाना और ये जो जब हालात ख़राब होते हैं तो बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं गुस्सा करने हद को क्रॉस कर जाने के तो इसलिए अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ख्याल रखना ख्याल रखना और इसमें बार बार क्या कहा जाता है वह मैय तक याजा मखरजा जो अल्लाह का तकवा इख्तियार करेगा ना अल्लाह ताला उसके लिए रास्ता बना देंगे वामय तक याजा मिन अम्र ही युसरा अल्लाह काम में आसानी बना देंगे व मैद तकिल्ला युकफ़िरन हुआत ही व यो ऊजरा अल्लाह ताली उसकी बुराइयाँ दूर कर देंगे उसको बहुत बड़ा अजर देंगे बाद उसी युसरा अनकरीब अल्लाह उसकी मुश्किल के बाद उसके लिए आसानी बना देंगे व मैं यूँ मे मिल्ला है वया अमल सौली अब जहाँ पर वमई यत्ता के ला नहीं लिखा लेकिन बात एक ही है जो अल्लाह पर ईमान रमाना उसने नेक अमल किए युद्ध जन्नातुन तजरी तहतार क़ालिदीन फ़ीहा अबा वो जन्नतों में रहेंगे पहले क्या था उसकी बुराइयाँ दूर हो जाएंगी अजर ज़्यादा बढ़ेगा और एंड पे सूरत में फिर जन्नतों का जिक्र है तो ये वो सूरत है जिसमें इतना ज़्यादा तकवा का ज़िक्र आया है क्यों आया है क्योंकि जब हालात ख़राब होने लगते हैं तो बड़ा ही आसान हो जाता है कमज़ोर के ऊपर जुल्म करना बल्कि लोग मिल जाते हैं सारे इकट्ठे जुल्म में कि इसने हमारे साथ ये ज़्यादती की इसको तब हमने छोड़ना ही नहीं है आ, लड़के वाले भी मिल जाते हैं आपस में लड़की पे जुल्म हो रहा था अक्सर लड़की के भाई अब्बा वगैरह वो सब भी मिल जाते हैं लड़की वालों लड़के वालों पे जुल्म कर रहे होते हैं ज़ुबान इतनी ज़्यादा गलत इस्तेमाल हो रही होती है इसलिए बार बार तकवा हुक्म दिया जा रहा है आखिरी सूरत सूरत तहरीम इसमें क्या बात हुई थी ऊपर जब अलहदगी हो रही है तो यहाँ पे जब बेजा मोहब्बत हो गई तो अतदाल से हटने के चांसेस कितने बढ़ जाते हैं तो अल्लाह के हदूद को अब भी कहीं क्रॉस ना कर जाना ठीक है और इसमें हमें क्या बताया गया था औरतों में क्या ख़ूबियाँ होनी चाहिए मुस्लिम मुबिनत कौनिताबात आबिदात साहत सैबात अब कार ठीक है ये सारी खूबियाँ होनी चाहिए फिर इसमें दो हुक्म क्या दिए गए थे याजी अमन वनफुसम व अहलीकुम अनफुसकुम व अहलीकुम नारा बचाओ अपने आप को और अपनी फैमिली को आग से हमारी पूरी फैमिली क्या है एक यूनिट है रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी उन्हें भी बचाना या यू लजीना आमन ही ऐ लोगों जो ईमान लाए हो तोबा करो खालिश तोबा ठीक है तोबा की तरफ आओ और इसमें हमें मिसालें भी दी गई दो उन औरतों की मिसालें दी गई जो कि बेसिकली बुरी थी और जिनका अंजाम बुरा हुआ और उसके बाद दो ऐसी औरतों की एग्जांपल दी गई जो कि नेक थी सौलिहत थी अच्छी थीं और उनको हमें फॉलो करने का कहा जा रहा है ठीक है अब यहाँ पर सूरत तहरीम में हमें हुक्म दिया जा रहा है तौबा इख्तियार की जाए अगर हमसे गलतियाँ हो जाती हैं अब आगे ही मुल्क आ जाती है उनतीसवें पारे में जिसमें यह बताया जाएगा कि जब तुमने तोबा नहीं की ना और तोबा किए बग़ैर ही चले गए अगली दुनिया में तो फिर अजाब क्या मिलने वाला है ठीक है तो ये अब हम इस सूरत में देखने वाले हैं इस सूरत में और भी बहुत ज़्यादा डिटेल्स हैं और उसको अब हम स्टार्ट करते हैं दोनों सूरतों का मैंने आपको लिंक बता दिया इस सूरत का अब मैं आपको डिटेल्स बताती हूँ मुल्क अब हम स्टडी करने जा रहे हैं